So hey buddies, welcome back with another vlog. So today we are trekking a Kalavanti Durga. It is the one of the famous trekking spot in Navi Mumbai, Panvel, जो कि पनवेल में पड़ता है और it is the one of dangerous treks in Maharashtra. मतलब ये इसका जो चढ़ाई है वो बहुत ही डिफिकल्ट है और अभी मैं लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ. मेरे आजू बाजू में आप लोग देख सकते हो स्टॉल्स है यहाँ पे टी के. आप यहाँ पे मतलब रुक के ब्रेकफास्ट कर सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे. और मैं जब घर से निकला था तो अराउंड 6:37 o'clock हो रहे थे. मैं यहाँ पे एक घंटे में पहुँच चुका हूँ. और आप अगर रिक्शा प्रीफर करोगे तो बहुत अच्छा होगा. रिक्शा वाले 250 लेते और कितने मतलब तीन लोग बैठ सकते हो आप. और यहाँ पे आप कार से भी आ सकते हो, अपने प्राइवेट व्हीकल से भी आ सकते हो. आप लोग देख सकते हो मेरे बैक साइड में यहाँ पे पार्किंग की बहुत जगह है, मतलब बहुत सारी स्पेस है. आप कहीं भी पार्क कर सकते हो. और पहले यहाँ पे पार्किंग के 50 rupees चार्जेस लेते थे, बट अभी नहीं लेते. तो आइडिया नहीं है, अभी नहीं लेते चार्जेस. और बहुत से लोग यहाँ पे कार बाइक पार्क करते, सो यहाँ पे पार्किंग चार्जेस अभी नहीं है, पहले थे पार्किंग चार्जेस. और सो अभी चलते आगे और वीडियो को स्टार्ट करते. सो अभी आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और इधर सब जगह से एरो बने. सो आप एरो को देखते हुए पूरा ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो. और अभी मैंने जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया है. सो ऐसे सब जगह पे एरो है और बाद में जाके दो जगह पे डिवाइड होगा, एक कलावंती दुर्गा और दूसरा जो और एक स्पॉट है वो. ऐसे दो जगह पे ट्रैक है. सो अभी पहले चलते. सो आप 5 to 10 minutes ट्रैक करने के बाद आपको ऐसा बोर्ड दिखेगा जो कि आप लोग देख सकते हो. यहाँ पे आप गार्बेज वार्बेज थ्रो कर सकते हो. और यहाँ पे एक्चुअली एंट्री फीस था, मतलब 50 rupees एंट्री फीस था. सो वो तो अभी नहीं लिया गया है, देखते अभी आगे है कि नहीं चालू. सो ये एक स्पॉट था जहाँ पे 50 rupees एंट्री फी लेते ट्रैकिंग का, जो कि अभी बंद है, टूट गया है पूरा. तो ऑलराइट, अभी आप लोग देख सकते हो अभी कितनी बारिश हो रही है. और अभी जस्ट हम लोग ये वाली लोकेशन पे पहुंचे और यहाँ पे मतलब आपको सारी चीज़ अवेलेबल रहती है, बट अभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है. आप लोग देख सकते हो क्योंकि अभी ये बंद है, एक्चुअली अभी ये बंद है, आप लोग देख सकते हो. और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, टी, मैगी, कांदे पोहे, कोकम शरबत, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो. और अभी बहुत से लोग ट्रैक कर रहे हैं, आगे चले गए और हम लोग तो ट्रैक कर रहे हैं. और हम लोग के साथ ये डॉग भी ट्रैक कर रहा है जो कि ये है, ये हम लोग के साथ स्टार्टिंग से. और अभी इन दोनों की फाइट होने वाली है मेरे को लग रहा है. सो ये किटी भी है हम लोग के साथ जो कि बहुत प्यारी है. सो अभी इन लोग को किटी को छोड़ते और अभी आगे चलते हैं क्योंकि आगे बहुत सा ट्रैक बाकी है. और जस्ट अभी हम लोग को मैंने आई थिंक 25 to 20 minutes ट्रैक किया है और ये लोकेशन पे हम लोग अभी पहुँचे. डॉग भी वेट कर रहा है, देख रहे हो आप लोग जाने के लिए. सो अभी चलते आगे और फिर मिलते हैं आपको. और ऐसी कुछ जगह है ये और यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, आप लोग देख सकते हो. ऑनलाइन पेमेंट भी अवेलेबल, स्कैनर्स वगैरह भी है, यहाँ पे आप स्कैन करके पे कर सकते हो. और यहाँ पे झूला भी है जो कि जुगाड़ू है, बट ठीक है, आप लोग इसको इंजॉय कर सकते हो. मतलब आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा है ये. सो अभी चलते हैं क्योंकि अपने को बहुत ट्रैक करना है. बहुत से लोग आगे निकल चुके हैं और अपन पीछे रह चुके क्योंकि बहुत लेट ट्रैक स्टार्ट हो गया है एक्चुअली. तो अभी चलते हैं आगे और वीडियो में बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही क्रेजी है. सो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना. सो अभी चलते आगे और मिलते फिर. सो अभी हाफ ट्रैक कम्प्लीट हो गया है और अभी यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होगा. और अभी यहाँ पे तो मतलब जब से आ रहे थे सब शॉप बंद थी, बट ये शॉप चालू है, आप लोग देख सकते हो. और चलो भाई. सो ये शॉप चालू थी, आप यहाँ पे आ सकते हो. एक्चुअली जब 50% ट्रैक हो जाएगा और ये स्टिक्स रहते हैं, ये 20 rupees के रहते हैं, आप चाहिए तो ये ले सकते हो 20 rupees पे करके. सो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ और देखते हैं. और अभी तो 50% ट्रैक हो गया है और अभी बारिश भी रुक गई है, तो अभी फटफट से ट्रैक कंप्लीट करेंगे. और अभी आप लोग देख सकते हो ये डॉग साथ में ही चल रहा है हमारे, लोग देख सकते हो. और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, जो 5 rupees का कुरकुर रहता है वो 10 rupees में. और यहाँ पे चीज़ें महंगी है, जो
₹10 की मैगी रहती है वो ₹40 की है यहाँ पे। सो क्योंकि इन लोग ऊपर से लाते नीचे से ऊपर लाते हैं सो इसलिए यहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी है। सो अभी चलते आगे और ट्रैक कंटिन्यू करते और वीडियो में बने रहना। सो नाउ वी आर कम्प्लीटिंग आवर 60% ट्रैक जो मैंने है कम्प्लीट कर लिया है। और अभी 60% ट्रैक कम्प्लीट करने के बाद ऐसा कुछ ढाबा है श्री समर्थ कृपा ढाबा जो कि आपको 60% ट्रैक कम्प्लीट करने के बाद दिख जाएगा। और अभी जस्ट मेरे बैक साइड में आप लोग देख सकते हो ये बहुत जन ने ट्राई किया मतलब ऊपर चढ़ते। सो अभी मैं भी ये ट्राई करूँगा क्योंकि बारिश का मौसम तो स्लिपरी हो सकता है और अभी जो हवा है बहुत तेज़ है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं इसको ट्राई करते और फिर मिलते। और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने यहाँ पे टेंट भी रेंट पे मिलता है, टेंट रेंट पे मिलता है पर पर्सन 500 to 550 है। सो आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो और यहाँ पे सब चीज़ अवेलेबल है खाने खाने का वेज नॉन वेज आप जो चाहो वो यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। और यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। सो आप देख रहे हो 60% मैंने ट्रैक कंप्लीट कर लिया और अभी हम लोग इस पर चढ़ेंगे और फिर आगे का ट्रैक कंप्लीट करेंगे, इस पर चढ़ेंगे और फिर प्रॉपर जो 40% ट्रैक बचा है वो कंप्लीट करेंगे। सो ऑलराइट अभी आप लोग देख सकते हो अभी मैं रॉक पे चढ़ गया हूँ और मतलब नीचे आप लोग देख सकते हो। सो व्यू कुछ ऐसा है, सीन्स बहुत ही क्रेजी है मतलब नेक्स्ट लेवल सीन्स है। सो अभी मैं यहाँ पे चढ़ा हूँ और मैं अभी इधर खड़ा हूँ मतलब देख सकते हो और हवा बहुत तेज़ चल रही है। सो अभी मैं उतर जाता हूँ, ये तो बहुत रिस्की होगा, आप चाहते हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो बट अपने रिस्क पे ट्राई करना क्योंकि ये स्पॉट थोड़ा डेंजरस है, आप गिरोगे तो सीधा टूटे हुए मिलोगे। सो अपने रिस्क पे ट्राई करो। अभी आप लोग देख सकते हो अभी मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ और एक रास्ता इस तरफ जाता है जो कि प्रबलगढ़ जाता है। आप लोग देख सकते हो ये रास्ता प्रबलगढ़ जा रहा है और अपने को जाना है कलावंती, तो ये रास्ता इस तरफ जा रहा है और यहाँ पे बहुत से लोग आए जिसे अभी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे कौन आया, सलमान आया है, सलमान खान आया है और यहाँ पे बहुत से लोग आए आप लोग देख सकते हो। और मैंने जैसे बताया था कि टेंट का पर पर्सन का 500 है सो आप लोग देख सकते हो। और अभी चलते हैं प्रबलगढ़ की तरफ कलावंती की तरफ क्योंकि प्रबलगढ़ उस तरफ है। बाय मिस्टेक मैंने प्रबलगढ़ बोल दिया क्योंकि मेरे को वो जगह भी जाना है बट आज के दिन में जा नहीं सकते। सो नेक्स्ट टाइम ज़रूर वो भी ट्रैक करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम वो भी ज़रूर ट्रैक करेंगे। और अभी जैसे मैंने बताया कि आपको इस जगह अभी जो मेन ट्रैक है जो 20% का जो मेन ट्रैक है वो अभी बाकी है जो कि सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक है। और होपफुली वहाँ पे कोई रहे कि अपने को ज़रा कोई चीज़ बता दे, मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो एकदम नॉलेजेबल बंदा रहना चाहिए। और अभी आप लोग देख सकते हो ये काजू का झाड़ है और ये रही गोट। सो अभी चलते और देखते हैं। और आप लोग देख सकते हो लिटरली यहाँ पे इतना फॉग है कि कुछ दिखता नहीं है। सो अभी चलते और अभी वाटर ब्रेक हुआ था सो अभी पानी पी लिया है। सो अभी चलते आगे की तरफ और अभी थोड़ी सी ट्रैकिंग बाकी है और जो मेन इम्पोर्टेंट ट्रैकिंग है वो यहाँ से होगी। अभी चलते और देखते कि कितनी ट्रैकिंग है। और रास्ता तो दिख रहा नहीं है, झाड़ गिरा लगता है, यहाँ से रास्ता है, एक सेकंड। हाँ ये देखो गाइस, कभी कभी आप आओगे ना, क्या पता क्या है ये। सो कभी कभी आओगे ना आप तो ऐसा ये बोर्ड गिर जाता है, एक्चुअली बारिश हो रही थी सो ये गिर गया था। आप लोग देख सकते हो मैं गलत रास्ते पे जा रहा था बट रास्ता ये नहीं था, एक्चुअली यहाँ पे रास्ता ही नहीं है। आई थिंक ये यहाँ कहीं था, कहाँ था लगता है, यहाँ था। सो आई थिंक रास्ता ये है, नहीं कहाँ लगा था ये, चलो अभी छोड़ दे इसको और अभी इसको यहाँ पे लगा देते।
सो अभी ये हो गया मजबूत। सो अभी एक्चुअली रास्ता इस तरफ है, बट आप लोग देख सकते हो कि वो गिर गया था, मेरे को लगता है कोई आया नहीं था इधर ज़्यादा, सो गिर गया लगता है। सो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो गिर जाता है तो ध्यान रखने का। सो आपने तो गलत रास्ते पे भी जा सकते हो, और यहाँ से जो मेन डिफ़िकल्ट ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट मतलब मैं आपको डरा रहा नहीं हूँ, बट सीरियसली ये डिफ़िकल्ट है। इससे पहले मैं दो बार ट्रैक कर चुका हूँ, दो जगह ट्रैक कर चुका हूँ। सो ये ट्रैक एक बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लास्ट का पार्ट है इसका ना, स्टेयर्स वाला, वो डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आपको जजमेंट है तो आप ये ट्रैक कर सकते हो बहुत इजीली, और बहुत प्यारी जगह है ये, और आपको यहाँ पे जगह जगह पे शॉप्स मिलेंगे जहाँ पे आप रुक के कुछ भी इंजॉय कर सकते हो, पोहा, टी, कॉफ़ी, कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। तो अभी मिलते हैं आपको मेन लोकेशन पे, तो चलते आगे। सो चेक आउट द व्यू, द क्रेजी व्यू। सो अभी आप लोग देख सकते हो, अभी मैं एक जगह खड़ा हूँ एक रॉक पे, और मेरे बैक साइड में आपको ये जगह दिख रही होगी जो कि ये जगह है, और यहाँ पे मेरी आवाज़ एको हो रही है। और अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे अंदर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाना अलाउड है। तो अभी चलते और देखते कि अंदर क्या है। और बेसिकली मैंने वीडियोस में देखा है कि अंदर कुछ है नहीं, तो चलते और देखते क्या है। और अभी चलते हैं, चलते हैं, यहाँ पे अंधेरा होते जा रहा है धीरे धीरे। सो अभी आप देख सकते हो उस तरफ कि ऊपर की तरफ वहां पे ना मधुमक्खी का छत्ता आई थिंक। सो मैं सोच रहा हूँ उस तरफ ना जाऊं, बिकॉज मधुमक्खी काट लेगी। सो अभी आप देख सकते हो कि आगे मधुमक्खी का छत्ता है, और यहाँ से पानी भी लीक हो रहा है। सो मैं सोच रहा हूँ मैं बैक चला जाऊं। सो अभी चलते बैक, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, मैंने वीडियोस में देखा है बहुत सारे इसकी प्लेस है, अंदर कुछ भी हो सकता है, स्नेक वगैरह भी हो सकता है अंदर। सो हम लोग यहाँ पे दो ही जाने हैं। सो मैं सोच रहा हूँ ना जाऊँ, क्योंकि मैंने वीडियो में देखा है कि यहाँ पे अंदर कुछ है नहीं एंड में भी, और अभी वहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता भी है, उसमें है ऐसे घूम रहे वहाँ पे। सो काट वाट लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा ट्रैक गया ये, सो इसको वेस्ट नहीं जाने देते। और अभी नीचे उतरते और जो बाकी का बचा हुआ ट्रैक है वो कम्प्लीट करते, फिर आपको मिलते सीधा स्टेयर की तरफ। सो स्टार्टिंग अ डिफिकल्ट ट्रैक। सो बेसिकली यहाँ पे रोप है, और आप रोप से आपको ऐसे क्लाइम करना है। एक्चुअली देख सकते हो ऐसे स्पॉट्स है, और ऐसा रोप पकड़ के आपको क्लाइम करके ऊपर जाना है। बेसिकली ये जो पार्ट है ये डिफिकल्ट है बहुत, क्योंकि आप देख सकते हो अगर स्लिप हो तो डायरेक्ट डाउन जाओगे। सो यहाँ पे बहुत केयरफुली ट्रैक करना है आपको। चलते आगे, और अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो प्लीज़ रोप केयरफुली पकड़ो, अगर आप स्लिप भी हुए तो रोप के सारे आप बच जाओगे। सो आपको ऐसे रोप कैच करते करते आना है, और बेसिकली यहाँ पे रोप ख़त्म हो चुकी है आई थिंक। सो अभी अपने को विदाउट रोप जाना है। सो विदाउट रोप थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। कलावंती दुर्ग में यही एक ट्रैक है जो इतना, जो लास्ट का पार्ट है इट इज़ द बेसिकली डिफिकल्ट पार्ट विच मोस्ट ऑफ पीपल इज स्किपिंग। बहुत से पीपल स्किप कर देते ये पार्ट, यहाँ पे ट्रैक नहीं करते, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं पूरा अपसाइड में आ चुका हूँ, और अभी उस तरफ स्टेयर्स है। सो मेरे को जाना है स्टेयर्स की तरफ।
उसको अभी देख सकते हो आप लोग, मैं नीचे उस तरफ से आया था और मैं अभी इस तरफ से स्टेयर से मेरे को जाना है। सो अभी देख सकते हो आप स्टेयर्स बहुत डाउन है, एक्चुअली बहुत अपसाइड है ये स्टेयर, तो आपको ऐसे जाना है। प्लीज गो केयरफुली गाइस। और अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं केयरफुली जाऊँ। और ये जो पानी आ रहा है बहुत ठंडा ठंडा पानी है। और अभी आप लोग देख सकते हो क्रेजी व्यू आ रहा है। इस व्यू के लिए पब्लिक ट्रैक करती है बेसिकली, क्योंकि ये जो ट्रैक है इसके लिए जाना जाता है। इट इज 80 डिग्री बेसिकली, एज यू कैन सी गाइस, दिस इज 80 डिग्री स्टेयर्स। आप लोग देख सकते हो 80 डिग्री स्टेयर्स है जो अभी हम ट्रैक कर रहे हैं। और हवा बहुत है, आप अगर इधर चल रहे हो आपको टाइट पकड़ना है, क्योंकि आपको और कोई सपोर्ट नहीं है। और बेसिकली आप रेनी सीजन में आ रहे हो, तो रेनी सीजन में बहुत डिफिकल्ट टास्क से है, जो कि आप ऑल राइट। अभी आप लोग देख सकते हो इस तरफ डाउन कितना है, मतलब अगर जरा सी भी पैर गया सो सीधा नीचे मिलेंगे। सो अभी केयरफुली ऊपर चढ़ते और देखते। और अभी आप लोग देख सकते हो, मतलब यहाँ से व्यू, क्रेजी व्यू फ्रॉम योर, जस्ट डोंट, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन दैट थिंग्स, मतलब आप वो चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते हो यहाँ से जो व्यू आ रहा है, एकदम क्रेजी व्यू आ रहा है। सो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या सीन है। और जो वाले स्टेयर्स है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, ये थोड़ी इजी लग रही है मेरे को, चलते आगे और देखते हैं क्या सीन। सो अभी आप देख सकते हो इधर पूरे प्रॉपरली स्टेयर्स है। और मैंने अपने फोन को ट्राइपॉड के साथ, मतलब जो मेरा ट्राइपॉड है और फोन है, उसको मैंने अच्छे से बांधा हुआ है कि गिरे ना, बिकॉज यहाँ पे हवा इतनी है कि फोन गिर जाएगा, उड़ जाएगा फोन, लिटरली फोन उड़ जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो बेसिकली आईफोन है, सो समझ सकते हो कितना मोटा खर्चा होगा। सो प्लीज अगर ऐसी सब जगह वीडियो शूट कर रहे हो, सो अपने फोन को प्रॉपरली बांध लो। और अभी जो नेक्स्ट लेवल वाइब आने वाली है ना प्रॉपर ऊपर चढ़ने के बाद, आप सोच भी नहीं सकते, लिटरली इतनी नेक्स्ट लेवल वाइब है इस जगह की। बहुत थक गया हूँ। और ट्रैकिंग का मेन मतलब क्या होता है मालूम है, आप पूरा ट्रैक कंप्लीट करो, उसके बाद जो स्पॉट है, जो टॉप का पॉइंट है, उधर जाके चिल करो, आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। सो ऑलराइट, अभी आप लोग देख सकते हो मेरे चारों तरफ कितना फॉग है, और क्या पता मैं दिख रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि बहुत फॉग है, आपको मतलब कैमरे में दिख रहा नहीं होगा। और हम लोग अभी पहुंच गए पूरा ऊपर, और अभी आप लोग देख सकते हो इस तरफ से पीछे घूम के जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए रास्ता है एक, बट ये रास्ता बंद किया गया है, सो इस तरफ नहीं जा सकते। सो यहीं तक है अपना ब्लॉग। और अभी आप लोग देख सकते हो मतलब लिटरली क्या जगह है, ऑसम। और अभी मेरे साथ मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है फाय, जो कि अभी यहाँ पे बैठा है। सो अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट किए, और फिर एक्चुअली मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है ज़्यादा, सो अभी आप लोग देख सक रहा हूँ, सो प्लीज सपोर्ट मी, कीप सपोर्टिंग मी गाइस। और अभी आप लोग देख सकते हो चारों तरफ इतना फॉग है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं दिख रहा हूँ और थोड़ा बहुत मेरा फ्रेंड दिख रहा होगा। आप लोग देख सकते हो इतना फॉग है यहाँ पे। और अभी बारिश हो रही थी सो मैं वेट किया, अभी रुक गई है बारिश, अभी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा फॉग भी हट रहा है, और अभी उतरते टाइम मालूम पड़ेगा कि क्या सीन है। सो अभी वीडियो को एंड करते हैं, और चार्जिंग नहीं तो उतरते हुए क्या ही देखोगे। तो इस वीडियो को एंड करते, तो मेक श्योर सपोज लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्लिक द बेल आइकन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।